एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये एक यूनिक WL टॉयज की कार है। इसका नाम है WL टॉयज 12428B। मेरे पास WL टॉयज की बहुत सारी कार्स है, पर ये उन सब में से अलग है गाइस, क्योंकि ये एक डेजर्ट बगी RC कार है। 50 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा तक जा सकती है। आज इसकी मैं फाइट करूंगा बहुत सारी कार्स के साथ, जैसे कि ये है टोयोटा मेटल ट्रक, मार्स डिटेक्टिंग कार है, या फिर आप इसे मार्स रोवर मशीन भी बोल सकते हो। ये WL टॉयज 12429। चलो गाइस फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग, देखते हैं ये कार कितनी ज्यादा पावरफुल है। लेट्स स्टार्ट। के अंदर ए मॉडल भी आता है, बी मॉडल भी आता है, सी मॉडल भी आता है, तो ये बी मॉडल है 12428 सीरीज। वाटर प्रूफ इसके अंदर कंपोनेंट्स दिए गए हैं। तो इसके और भी बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, जैसे कि ये वाला मॉडल है। क्या मैं इसको खरीदूं या फिर नहीं, आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता दो। ATV जैसा मॉडल लग रहा है, ये भी WL टॉयज का ही है। इसके अंदर ट्रू 4-लिंक रियर सस्पेंशन भी दिया गया। बॉक्स को यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। यार आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो जरूर से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर से दबा देना। ये रहा इसका रिमोट कंट्रोलर, दिखने में WL टॉयज जैसा ही रिमोट लगता है, पर इसके अंदर बहुत सारे यूनिक फीचर्स दिए गए। ऊपर की तरफ एक बहुत बड़ा डिस्प्ले दिया गया। यार यहाँ से हम लोग ये कार की स्पीड वगैरह देख सकते हैं, स्टीयरिंग को कितनी डिग्री पर टर्न कर रहे हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर नजर आ जाएगी। मैं इसके अंदर थोड़ी देर में आपको बैटरीज डाल के भी बताने वाला हूँ। यहाँ पे दो नॉब्स है इसकी स्टीयरिंग और स्पीड कंट्रोल करने के लिए। ये इसकी स्टीयरिंग है, यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है। अभी यहाँ से मैं कार को निकाल लेता हूँ फटाफट से। ओ भाई साहब, कार का लुक देखो यार, क्या ही कमाल का दिख रहा है, मजा आ गया इसको देखकर। सोचो गाइस इसको चलाएंगे तो और कितना ही ज्यादा मजा आएगा। अंदर ड्राइवर भी बैठा हुआ है। इसका बिल्ड क्वालिटी सच में यार बहुत ज्यादा सॉलिड है। मैं इसको हाथ में लेते ही बता रहा हूँ कि गाइस ये कार बहुत ज्यादा रफ एंड टफ होने वाली है, क्योंकि ये डेजर्ट किंग RC कार है। सामने की तरफ यहाँ पर डुअल LED हेडलाइट्स दी गई है। यहाँ पर इसके वर्टिकल टाइप सस्पेंशन दिए गए, जैसे की 12428 ग्रीन कलर के मॉडल में भी आप लोगों को देखने को मिलता है। पीछे इसकी टेल लाइट भी काम करती है। व्हील्स 12428 या फिर 12427 जैसे ही इसके अंदर दिए गए। कंप्लीटली ऑफ रोड या फिर ऑन रोड में हम लोग इसको बहुत बढ़िया तरीके से चला सकते हैं। इसके अंदर का हार्डवेयर हम लोग देख नहीं सकते हैं, क्योंकि इसको कंप्लीटली फिक्स किया गया है। बाकी इसकी बैटरी, यूजर मैनुअल और चार्जर यहाँ पे दिया गया है। बैटरी मैं आपको दिखा देता हूँ यार, ऐसी वाली बैटरी तो मैंने आज तक बिल्कुल भी नहीं देखी है गाइस। ये लो, बैशिंग वाली बैटरी इसके अंदर दी गई है 2200 mAh की। आज काफी ज्यादा तगड़ा मजा आएगा इसको टेस्ट करने पे। यहाँ पर चार्जर है, ये इसकी मोटी सी यूजर गाइड है। चलो गाइस अभी इसके अंदर बैटरी डाल के रिमोट और ये कार की लाइट्स मैं आपको दिखाता हूँ। इसको ऑन ऑफ स्विच है, ऑन कर दिया मैंने इसको। यहाँ पे अभी इसका डिस्प्ले ऑन हो चुका है। जैसे मैं स्टीयरिंग टर्न करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं राइट को टर्न कर रहा हूँ तो राइट 100% या फिर आप जितना भी टर्न करते हो यहाँ पे परसेंटेज में दिखाई देगा, और मैं लेफ्ट को करता हूँ तो लेफ्ट में यहाँ पे इस तरह का देखने को मिल जाएगा। अब मैं ट्रिगर प्रेस करूंगा, यहाँ पे देखना आप, ये देख लो यहाँ पे ऊपर फॉरवर्ड में प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे फॉरवर्ड बोल के आ रहा है। अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ तो यहाँ पे देखो अभी बैक बोल के आएगा इस तरीके से। वही ये चीज जो है ये रिमोट के अंदर मेरे को काफी ज्यादा तगड़ी लगी। यहाँ पे इसकी रेंज भी दिखाई देगी, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एंटीना दिखा रहा है। चीज भी वही ये रिमोट के अंदर मेरे को काफी ज्यादा एडवांस लगी। मैंने आज तक बहुत बड़ी बड़ी RC कार्स भी यूज की है, पर ऐसा रिमोट मैं पहली बार देख रहा हूँ यार। इतने फंक्शंस इसके अंदर दिए गए। यहाँ पे इसको ऑन ऑफ स्विच है, ऑन कर दिया मैंने इसको। यहाँ पे देखो अभी इसकी लाइट्स आने लगी है। यहाँ पे इसकी लाइट्स कितनी ज्यादा ब्राइट और कितनी ज्यादा पावरफुल। डुअल LED होने के कारण इसलिए इतनी ज्यादा ब्राइट नजर आ रही है। पीछे की टेल लाइट्स भी देख लो, काफी ज्यादा ब्राइट रेड कलर की दी गई है। नाइट में भी हम लोग इसको बहुत बढ़िया तरीके से चला सकते हैं। तो आज WL टॉयज 12428 के साथ कुछ अलग एक्सपेरिमेंट्स भी मैं करने वाला हूँ। ये ऑफ रोडर वाले व्हील्स है XLF X03 के। तो आज ये व्हील्स ऑफ रोड में चलाते समय इसके ऊपर इंस्टॉल करके मैं टेस्ट भी करने वाला हूँ और इसके साथ फाइट भी कराने वाला हूँ, क्योंकि गाइस ये WL टॉयज की 12429 कार है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लो आप, ये व्हील्स काफी ज्यादा बड़े हैं यार। ये कंप्लीटली ऑफ रोडर RC कार है और दोनों का लुक भी देखो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही लग रहा है। दोनों ही डेजर्ट बगी RC कार है, पर इसके अंदर ऊपर की तरफ यहाँ पे लाइट्स दी गई है। दोनों ही कार्स का प्राइस 22,000 rupees है। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये है टोयोटा का मेटल ट्रक, ये देख लो यार कितना ज्यादा बड़े साइज का ट्रक है। चलो गाइस अभी चलते हैं बाहर, कराते हैं इन सभी के बीच में फाइट, देखते हैं ये कार कितनी ज्यादा पावरफुल है। लेट्स गो। सबसे पहले WL टॉयज 12428 को टेस्ट करके देखते हैं। रिमोट बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट हो चुका है कार के साथ। कार बहुत ज्यादा स्मूथली काम कर रही है, क्योंकि इसके अंदर 550 की मोटर दी गई है। अभी हाई स्पीड में ब्रेक टेस्ट करते हैं, ठीक ठाक तरीके से ब्रेक लग रहा है इसका। रेंज भी बहुत ज्यादा दी गई है, हाई स्पीड में इसके ब्रेक सही तरीके से काम नहीं कर रहे। बाकी कंट्रोलिंग ठीक ठाक है ये कार की, बहुत स्मूथली कार काम कर रही है रोड के ऊपर। अभी मैं इसको थोड़ा सा ऑफ रोड में भी टेस्ट करने वाला हूँ। इसके अंदर वाटर प्रूफ इलेक्ट्रॉनिक्स होने के कारण आप इसको जितना चाहे उतना पानी में चला लोगे। ये कार
पानी में एकदम जबरदस्त तरीके से चलती है। यहाँ पे मैंने रैंप जंप भी करा के देखा, ये कार बहुत अच्छे तरीके से रैंप जंप करके अपने आप को बैलेंस भी कर लेती है। इतनी दूर तक तो यार एक बार एक्स मैक्स जंप करी थी, ये कार ने भी भाई कमाल कर दिया इतनी दूर जंप करके। अब मैं डब्ल्यू एल टॉयज 12429 को टेस्ट करने वाला हूँ। ये भी एक बहुत ज्यादा पावरफुल बहुत ज्यादा फास्ट आरसी कार है, पर ये हाई स्पीड में प्रॉपर तरीके से कंट्रोल नहीं होती है। अब मार्स रोवर मशीन को टेस्ट करके देखते हैं। ऊपर एक छोटा सा कंटेनर है, इसके अंदर वाटर बुलेट्स फिल कर लेता हूं मैं पहले। देखो बहुत सारे वाटर बुलेट्स इसके अंदर आ जाएंगे। अब इसका कैनन फायर टेस्ट करते हैं। यहाँ पे बटन है, कैनन ऊपर की तरफ आ चुका, यहाँ से ये बुलेट को फायर कर सकता है और कंटिन्यूस फायर कर सकता है। चलाने में ये एक नंबर है क्योंकि इसके अंदर सिक्स व्हील ड्राइव होने के कारण इसको बहुत इजीली हम लोग कंट्रोल कर सकते। देखो यार हाई स्पीड में भी कितनी अच्छे तरीके से टर्न हो रही है, मजा आ गया इसको चला के। अब मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट टोयोटा मेटल ट्रक को टेस्ट करके देखते हैं। इसके अंदर गियर वन गियर टू दिया गया, अभी मैं इसको गियर वन में चला रहा हूँ। गियर टू में और भी ज्यादा स्पीड तरीके से चलने लगती है, इसको टू व्हील ड्राइव पे भी चलाया जा सकता है और फोर व्हील ड्राइव पे भी चलाया जा सकता है। ओके गाइस, सबसे पहले रेस होने वाली है डब्ल्यू एल डॉट 12428 वर्सेस टोयोटा मेटल ट्रक के बीच में। यहाँ पे रेस शुरू होते ही खत्म हो चुकी है, टोयोटा मेटल ट्रक बहुत ज्यादा पीछे हो गई यार। क्लियरली आप देख सकते हो डब्ल्यू एल डॉट 12428 कितनी ज्यादा फास्ट है। आप इसकी रेस कराते हैं मार्स रोवर मशीन के साथ, देखने का जिन दोनों में से कौन जीतता है। यहाँ पे भी आप चुटकी बजाते ही मार्स रोवर मशीन को पीछे छोड़ दिया है डब्ल्यू एल डॉट 12428 ने। अब इन दोनों को चलाते चलाते मैं ऑफ रोड में लेके आ चुका हूँ, देखते हैं ऑफ रोड में कौन सी कार जीतती है। यहाँ पे मेरे को लगा था मार्स रोवर मशीन आराम से जीत जाएगी क्योंकि ऑफ रोड में चलाने के लिए बनाई गई है, पर यहाँ पे भी डब्ल्यू एल डॉट 12428 भी आराम से जीत चुकी है। अब आएगा असली मजा, कराते हैं इन दोनों डब्ल्यू एल टॉयज के बीच में रेस, देखते हैं इस दोनों में से कौन है सबसे ज्यादा फास्ट। यहाँ पे डब्ल्यू एल टॉयज 12429 आगे निकल गई है, फर्स्ट राउंड में ये जीत गई थी, पर सेकंड राउंड आते आते देखो डब्ल्यू एल टॉयज 12428 ने इसको ओवरटेक कर लिया है और सेकंड राउंड में जीत चुकी है। और थर्ड राउंड आते आते यार इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, क्लियरली विनर है सबसे ज्यादा फास्ट यहाँ पे चल रही है डब्ल्यू एल टॉयज 12428 बीआरसी कार। ऑल राइट गाइस, ये कार रेस में तो बार बार जीत रही थी, अब इसकी फाइट कराते हैं टोयोटा मेटल ट्रक के साथ। ओ माय गॉड, टोयोटा मेटल ट्रक तो इसको काफी आसानी से पीछे टेकल रही है, इसको यहाँ पे बिल्कुल भी ग्रिप नहीं मिल पा रही थी। अब एक काम करते हैं, इसके अंदर लगाते हैं पीछे की तरफ XLF X03 के व्हील। सिर्फ यहाँ पे मैं दो व्हील्स चेंज करने वाला हूँ, अब देखते हैं ये जीतती है या फिर हार जाती है। ओ हो गाइस, अब देखो यार इसको बहुत तगड़े तरीके से ग्रिप मिलने लगी है, काफी आसानी से टोयोटा मेटल ट्रक को पुश बैक में इस बार हरा दिया है। अब टग ऑफ वॉर भी करा के देखते हैं इन दोनों के बीच में। यहाँ पे मेरे को लगा था कि टोयोटा मेटल ट्रक इसको बहुत आसानी से खींच के लेके जाएगी, पर डब्ल्यू एल टॉयज 12428 पूरी तरीके से लगी हुई है टोयोटा मेटल ट्रक को रोकने के लिए और इसने अब इसको खींचना भी चालू कर दिया है। अब मैंने टोयोटा मेटल ट्रक के अंदर 4x4 भी लगा दिया, यहाँ पे टोयोटा मेटल ट्रक पूरी तरीके से ब्रेक लगाकर इसको रोकने की भी कोशिश कर रही है, पर इस बात का कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। डब्ल्यू एल टॉयज 12428 भी ने यार टोयोटा मेटल ट्रक को भी हरा के रख दिया है पावर के मामले में। अब देखते हैं क्या ये कार डब्ल्यू एल टॉयज 12429 को भी टग ऑफ वॉर में हरा पाती है। यानी यहाँ पे दोनों के बीच में एकदम खतरनाक वाला टग ऑफ वॉर चल रहा है, दोनों ही हार मानने को तैयार नहीं है, पर फाइनली डब्ल्यू एल टॉयज 12428 भी ने हरा के रख दिया। अब इसकी फाइट कराते हैं मार्स रोवर मशीन के साथ। ओ भाई ये क्या हो गया यार, मार्स रोवर मशीन को तो इसने चुटकी बजाते ही हरा दिया। मेरे को लगा था कि इसके अंदर सिक्स व्हील्स होने के कारण इसको कुछ तो फायदा होगा, पर ये हार चुकी है। फिर मैंने डब्ल्यू एल टॉयज 12429 के साथ रैंप जंप भी करा के देखा यार, ये ज्यादा दूर तक तो जंप नहीं कर पा रही थी जितनी दूर तक डब्ल्यू एल टॉयज 12428 जंप कर पाई थी। यहाँ पे टोयोटा मेटल ट्रक के साथ भी मैंने सेम टेस्ट करके देखा है, ये कार बहुत ही खतरनाक जंप करके क्रैश हो चुकी थी यहाँ पे। तो गाइस मेरे को आज की फाइट में सबसे ज्यादा पावरफुल डब्ल्यू एल टॉयज 12428 भी लगी। आपको ये कार कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना, और आप मुझे ये भी बताना नेक्स्ट वीडियो में मैं कौन सी कार के साथ फाइट कराऊं। चलो गाइस अभी मैं दे देता हूं शाउट आउट। पहला नाम है असीम, कान्हा, प्रीतपाल, जसपाल, दीपांशु, अजय, रघुवीर, ब्रिजेश, फैसल, फरदीन, थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।